गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में अनबॉक्स करने वाला है एक ड्रोन जो कि 2-in-1 है। ये बाइक में भी कन्वर्ट हो जाता है और ड्रोन में भी। तो इसके दो वेरिएंट आपको मिलेंगे, एक ब्लू है और एक ग्रीन। तो ब्लू वाला जो है वो रिमोट कंट्रोल है और ग्रीन वाला जो है ग्रेविटी सेंसर वाला है। तो ग्रेविटी सेंसर वाला हमने मंगवाया है जो कि आप अपने हाथ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो बॉक्स जो है कुछ इस तरीके का आप देख लीजिए ये बॉक्स। तो गाइस, इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको एल्टीट्यूड होवर मोड मिल जाता है, इमरजेंसी स्टॉप मिल जाता है, 1 की टेक ऑफ और लैंडिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है, 1 की रिटर्न का भी ऑप्शन मिल जाता है, 360 फ्लिप का मिल जाता है, हैंडलेस मोड का भी मिल जाता है और डिफॉर्मेशन का मिल जाता है जो कि बाइक में कन्वर्ट हो जाएगा, और वाईफाई कैमरा मिलता है। तो वो जो है वाईफाई कैमरा वाला ब्लू वाले मिलता है, हमारा ग्रीन वाला है तो हमको ऐसा कुछ नहीं मिलता ऑप्शन। तो चलिए फटाफट इसको हम लोग अनबॉक्स कर लेते हैं। इसको अनबॉक्स कर ले रहा हूं मैं। तो देखते हैं इसके अंदर हमको क्या क्या मिलता है। बॉक्स को रखते हैं साइड। तो गाइस, सबसे पहले देखिए हमको यूजर मैनुअल मिलता है। अगर आप एक बिगनर हैं तो इसे आप जरूर पढ़िएगा। इसमें आपको QR कोड मिलते हैं जो कि आप अपने कैमरे को कनेक्ट कर सकते हैं इससे, क्योंकि हमारा कैमरा वाला नहीं है तो ये हमारे यूज का कोई नहीं है। और फिर उसके बाद देखिए हमको एक वॉच मिलती है जो कि ग्रेविटी सेंसर वाला है, इसको आप अपने हाथ में पहन सकते हैं। देखिए ये कुछ इस तरीके के, और जो क्वालिटी है इसकी गाइस काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। इसको रखते हैं साइड। फिर उसके बाद देखिए हमको एक USB केबल मिलता है जिससे हम अपने वॉच को चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जगह दे रखा है, इस तरह करके आप अपने चार्जर में कनेक्ट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हमको मिलता है कुछ एक्स्ट्रा प्रोपेलर और स्क्रू ड्राइवर और एक बैटरी। तो बैटरी देखें इसकी, तो बैटरी जो है हमको 3.7 वोल्ट की मिलती है जो कि 550 mAh की है। देखिए 3.7 वोल्ट की मिलती है और 550 mAh की बैटरी है जो कि अराउंड 13 से 14 मिनट अच्छा खासा फ्लाई टाइम आपको देगी। और चार्जिंग की बात करें तो ये 40 मिनट में आराम से फुल चार्ज हो जाएगी। इसको रखते हैं साइड। और ये है एक्स्ट्रा प्रोपेलर और स्क्रू ड्राइवर जिससे कि आपका कोई भी प्रोपेलर डैमेज हो तो आप इजीली उसे लगा लें। तो गाइस देखिए ये जो है इसके टायर्स हैं, अगर इसको आप बाइक में कन्वर्ट अगर आप इसको करते हैं तो ये इसे आप लगा दीजिएगा। ड्रोन के अंदर मैं आपको अभी लगा के सब दिखाऊंगा। तो ये देखिए 4 हमको मिलते हैं। और अब बात करते हैं ड्रोन की। तो ड्रोन देखिए गाइस इस तरीके का है हमारा, और क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इसकी ज़बरदस्त है। आपको पूरा ओवरव्यू दिखा देता हूँ इसका। यहाँ पे इसका बैटरी कंपार्टमेंट है, इसको ऐसे करके आप अपनी बैटरी इसके अंदर लगा सकते हैं। अभी मैं एक एक करके चीज़ लगा के दिखाऊंगा। ये देखिए फोल्ड ये इस तरीके से होता है, ऐसे करके ऐसे ये देखिए बाइक में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ इसका स्विच दे रखा है, ये देखिए बाइक में कंट्रोल हो जाएगा और ऐसे करके ये ड्रोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो काफ़ी अमेजिंग ड्रोन है। अब इसको फ्लाई करके देखें कैसा उड़ता है ये। और ये देखिए इसके लैंडिंग गियर्स दे रखे हैं, ऐसे करके ऐसे आप फंसा दीजिएगा। ये देखिए ये लैंडिंग गियर तैयार हो गए हैं। तो चलिए इसके अटैचमेंट जल्दी से हम लोग लगा लेते हैं। तो यहां पे जैसे ही हम बटन दबाएंगे, बटन को प्रेस करना पड़ेगा। तो देखिए लाइट ब्लिंक करने लगी, यहां फ्रंट में भी और बैक साइड भी और पीछे भी दे रखा है लाइट। नाइट में अगर आप इसे अगर फ्लाई करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगेगा। चलिए मैं इसको आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। बॉक्स को हटाते हैं साइड। इसको आप आउटडोर ही फ्लाई करें तो ठीक रहेगा, आप इंडोर करेंगे तो ये इधर उधर लड़ सकता है। तो इसको देखिए ऐसे फंसाना है, ऐसे करके ऐसे इसे आप फिंगर में पकड़ लीजिएगा। ये देखिए हमारी घड़ी हो चुकी है तैयार। अब ड्रोन को करते हैं फ्लाई। इसे कनेक्ट कराने के लिए मैं आपको बताता हूँ, ड्रोन को पहले प्रेस करके आप लोग ड्रोन ऑन कर लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे एक बटन प्रेस करिएगा, अपने आप ये ऑटो कनेक्ट हो जाएगा।
दोनों की लाइट स्टेबल हो जाएगी। फिर उसके बाद करना क्या है आपको, फ्लाई करने के लिए ये जो नीचे बटन दिया है इसको प्रेस करेंगे तो ड्रोन ऑन हो जाएगा। गाइस पहली ही राइड में हमारा जो ड्रोन है वो क्रैश हो गया है, तो इसको हम लोग चलते हैं आउटडोर में उड़ा के आपको दिखाते हैं। और आपको मैं इसके टायर्स भी लगा के दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको टायर लगाने में इसका कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए इसका टायर्स लगा के मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस इसमें देखिए चार टायर्स हमको दिए जाते हैं और इसमें सभी टायर्स पे लिखा है B, A1, B1 और A। तो ऐसा ही देखिए सिंपल बिल्कुल ड्रोन पे दे रखा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है A1, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे A1 लिखा है, यहाँ पे B1 लिखा है। तो जैसे जैसे लिखा है वैसे ही आपको लगाना है और ऐसा ही आपको प्रोपेलर के साथ भी करना है। चलिए मैं इसको जल्दी से आपको सेट करके दिखा देता हूँ। तो गाइस जो देखिए ये जो है ये पीछे की बैक साइड करिए ताकि आपका जो बाईसाइकिल है वो गिरे ना रन करते समय। तो देखिए इसको आपको कैसे लगाना है, ये जो है बी नहीं ए वाला है, ये देखिए बी है। तो आपको देखिए लगाना है कुछ इस तरीके से, ऐसे करके आपको मैं दिखा दे रहा हूँ एकदम सिंपल तरीके से। आपको देखिए ऐसे लगाना है जो ऐसे है ना, इस तरह करके आपको बैठा के दिखा रहा हूँ कैसे ये बैठेगा। ये देखिए यहाँ पे एक लॉक दे रखा है, ऐसे लगाने के बाद यहाँ पे आप बैठाने के बाद इसको इसके अंदर ऐसे प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे घुमा देना है, ये आपका लग गया। और ऐसे ही करके आपको सभी को लगाना है। आपको प्रेस करने के बाद फिर उसके बाद ऐसे घुमा देना है। तो ये देखिए इसको लैंडिंग गियर को करते हैं डाउन, ये देखिए ये कुछ इस तरीके का लग रहा है बिल्कुल बाइक की तरह। तो आपको फ्रंट वाले भी लगा के दिखा देता हूँ जल्दी से। और अगर गाइस आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे दिया एक इस तरीके का लॉक, एक मिनट कैमरा हमारा फोकस नहीं कर पा रहा है, ये देखिए यहाँ पे दिया है। और ऐसा ही बिल्कुल देखिए आपको ये टायर्स में देखने के लिए मिल जाता है। तो इन दोनों का सेंटर में आपको करना है, ऐसे डाल के बिल्कुल सेंटर में करके प्रेस कर देना है, उसके बाद ऐसे घुमा देना है आपको इस तरीके से। लेकिन ये मैंने गलत घुमाया, आपको एक बार सही से करके दिखा रहा हूँ साइड करके। ये देखिए कितना इजीली तरीके से हो गया। ऐसे ही करके आप सभी टायर्स को लगा लीजिएगा। तो फाइनली हमारा जो है बाइक तैयार हो चुकी है R15। और यहाँ पे देखिए लॉक दे रखा है, ऐसे करके प्रेस कर दीजिएगा हो जाएगा। तो हमारी बाइक तैयार हो चुकी है, प्रोपेलर को रखते हैं साइड में, बाइक को भी चला के दिखा दे रहा हूँ आपको। ये देखिए यहाँ प्रेस किया, देखा गाइस आपने। We'll be right back.